एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ड्राइंग के बारे में नॉलेज रखना। अगर आपके पास ड्राइंग का नॉलेज नहीं है तो अच्छी तरह काम जानते हुए भी आपका वो वैल्यू नहीं रहता है जो एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। आपको हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के काम करना पड़ता है। अगर आप खुद ड्राइंग का नॉलेज रखते हैं तो आप किसी से कुछ भी पूछे बगैर अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ड्राइंग किस तरह से देखा जाता है। ये दोस्तों, हम लोग अपना ड्राइंग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं माय फाइल्स में, उसके बाद सर्च करते हैं E1। ये E1 फाइल नेम है। देखिए दोस्तों, हम लोग का ड्राइंग ओपन हो गया। ये एक 3 मंजिला विला का प्लान है, जिसमें लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, और मिडिल में फर्स्ट फ्लोर, राइट साइड में सेकंड फ्लोर, और सबसे राइट साइड में ये सिंबल्स है, और नीचे में ये शेड्यूल्स है। जितने सारे सर्किट्स विला में गए हुए हैं मेन डीबी से, उसके शेड्यूल्स हैं। तो किसी भी ड्राइंग को देखने से पहले सबसे पहले उसका सिंबल्स के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग सबसे पहले सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए राइट साइड में इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब अच्छी तरह से ये जूम हो चुका है। तो ये फर्स्ट में जो देख रहे हैं आपको बल्क हेड लाइट फिटिंग, ये जो लाइट है वो दीवार के बाहरी तरफ में लगाया जाता है, और उसके बाद है वॉल लाइट्स या मिरर लाइट। ये सिंबल है वॉल लाइट और मिरर लाइट के लिए, जो इनसाइड में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ट्यूब लाइट, उसके बाद सीलिंग फैन, उसके बाद वॉल माउंटेड फैन, उसके बाद ये है चैंडलियर मींस मतलब कि ये झूमर के लिए है, और उसके बाद फैन रेगुलेटर, उसके बाद 6 and 10 एम्पियर स्विच सॉकेट, उसके बाद 6 एम्पियर अनस्विच सॉकेट, मतलब इसमें स्विच नहीं रहेगा, केवल सॉकेट रहेगा। उसके बाद 6 और 16 एम्पियर स्विच सॉकेट है, उसके बाद 25 एम्पियर सॉकेट है एसी के लिए, उसके बाद 16 एम्पियर सॉकेट है गीजर के लिए, उसके बाद ये एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है, उसके बाद टीवी सॉकेट का ये सिंबल है, उसके बाद टेलीफोन आउटलेट का सिंबल है, उसके बाद इंटरकॉम का ये सिंबल है, उसके बाद डाटा आउटलेट है, फिर ये कॉलिंग बेल का सिंबल है, और ये जो ग्रीन कलर में बी लिखा हुआ है ये कॉल बेल पुश बटन का सिंबल है। दोस्तों ये स्विचेस का सिंबल है, ये 4 स्विचेस हैं। पहला है 1-way स्विच, दूसरा है 2-way स्विच का, जिसमें 2 लिखा हुआ है, ये 2-way स्विच का सिंबल है। उसके बाद 16 एम्पियर इंडिकेटर स्विच है गीजर के लिए, उसके बाद रेड कलर का जो स्विच है वो 25 एम्पियर है एसी के लिए, उसके बाद ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, इसके बाद ये फुट लैंप है जो नीचे यूज़ किया जाता है कमरे में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है डीबी, और उसके बाद टीवी और टेलीफोन जंक्शन बॉक्स का ये सिंबल है। ये जो 4-5 सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो मॉड्यूलर बॉक्स लगता है उसका ये सिंबल है। जैसे ये वायलेंट कलर का जो सिंबल है ये 1 या 2 मॉड्यूलर बॉक्स का है, पिंक कलर का जो है 3 मॉड्यूलर बॉक्स का है, और ब्लू जो है 4 मॉड्यूलर बॉक्स का है, रेड 6 मॉड्यूलर बॉक्स का है, और ये जो ग्रीन है 8 मॉड्यूलर बॉक्स का है। और ये सभी कंड्यूट्स के जो है सिंबल हैं, जैसे कि 25 mm लाइट कंड्यूट, 19 mm लाइट कंड्यूट, 25 mm पावर कंड्यूट, 19 mm पावर कंड्यूट, इस तरह से ये पाइप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके सिंबल हैं। और ये जो 4-5 सिंबल है ये राइजर के लिए है, जिस तरह से ये देखिए 25 mm कंड्यूट राइजर फॉर पावर, ये पावर के लिए कंड्यूट जो राइजर यूज़ किया जाता है उसका ये सिंबल है। 25 mm कंड्यूट राइजर फॉर लाइटिंग, ये लाइटिंग के लिए जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के लिए जो पाइप जाते हैं उसको हम लोग राइजर कहते हैं, और 25 mm कंड्यूट फॉर राइजर फॉर टेलीफोन, ये टेलीफोन के लिए ये पिंक कलर का जा रहा है, और ब्लू कलर का जो है
ये राइजर फॉर टीवी, टीवी के लिए है जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाता है। ऊपर में डीटीएच लगता है, ऊपर से डीटीएच का केबल सेकंड फ्लोर में भी आता है, फर्स्ट फ्लोर में भी आता है, ग्राउंड फ्लोर में भी आता है, तो उसके लिए ये कंड्यूट यूज़ होता है। और लास्ट में देखिए ये 25 mm कंड्यूट राइजर फॉर कॉलिंग बेल, कॉलिंग बेल ग्राउंड फ्लोर में भी यूज़ होता है, फर्स्ट फ्लोर में भी यूज़ होता है, तो इसके लिए राइजर के थ्रू हम लोग वायर लेकर के जाते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो इसके लिए ये कंड्यूट दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग में सिंबल्स के बारे में हम समझ गए हैं। अब जो है इसको हमें बार बार रिप्ले करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग सिंबल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं हासिल करेंगे तब तक हम लोग को ड्राइंग देखने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सिंबल्स को बहुत अच्छी तरह से माइंड के थर्ड लेयर में आपको बैठा लेना पड़ेगा ताकि कभी भूल ना पाए कि ये किस प्रकार का सिंबल है। अब दोस्तों आते हैं पोजीशन पे, जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर है, अब ग्राउंड फ्लोर में कौन से कमरे का पोजीशन किस प्रकार के है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग इसको पहले जूम करते हैं, जूम करके देखेंगे इससे पता चलेगा। ये पार्किंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये पार्किंग एरिया है, देखिए दो कार रखा हुआ है, ये देखिए दो कार रखा हुआ है, ठीक इसके पीछे ये ड्राइंग रूम है जहाँ पे मेहमान आकर के बैठते हैं, देखिए तीन सोफ़ा और बीच में एक टेबल रखा हुआ है, ऊपर में एक फ़ैन का पॉइंट है और एक झूमर का पॉइंट है, ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के बगल में ये मेड रूम है, मेड रूम, मेड टॉयलेट। और अब इस तरफ में आते हैं तो ये देखिए ये स्टेयर केस है, बीच में स्टेयर केस के सामने में लॉबी है, फायर एरिया, जिसके राइट साइड में जो है आप देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे डीबी लगा हुआ है। और ये डब्लू गेट, ये मेन गेट है जिससे हम लोग विला के अंदर में घुस रहे हैं। और उसके बगल में ये देखिए ये है डाइनिंग रूम, यहाँ पे डाइनिंग टेबल और चेयर लगाया हुआ है, इससे पता चल जा रहा है कि ये डाइनिंग रूम है। और इसके बगल में ये देखिए ये किचन है, और किचन के बगल में ये देखिए ये यूटिलिटी रूम है, किचन का जो काम जो है इसमें किया जाता है। और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं ये बेडरूम वन है, और उसके राइट साइड में देखिए बेडरूम वन का ड्रेसिंग रूम है और उसका टॉयलेट है। तो ड्राइंग देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताया कि सिंबल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले ये हम लोग बेडरूम वन के बारे में जानेंगे, बेडरूम वन में अगर हम बेडरूम वन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसी तरह से हम पूरे विले का ड्राइंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेडरूम वन के बारे में नॉलेज रखेंगे कि बेडरूम वन में क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं एक बेड है, ये सामने एक बेड रखा हुआ है, और बेड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मॉड्यूलर बॉक्स लगे हुए हैं। लेफ़्ट साइड में ये पिंक कलर का 3 मॉड्यूलर बॉक्स लगा हुआ है, और राइट साइड में ये ग्रीन कलर का एट मॉड्यूलर बॉक्स लगा हुआ है, और जो ग्रे कलर का है, सॉरी ग्रे नहीं, वायलेंट कलर का जो है वो 2 मॉड्यूलर बॉक्स है। तो जो 2 मॉड्यूलर बॉक्स है ये टेलीफोन के लिए है, ये देखिए टेलीफोन का सिंबल यहाँ पर है, थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखिए दोस्तों ये जो वायलेट कलर का है ये 2 मॉड्यूलर बॉक्स है, इसमें टेलीफोन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है इसमें यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट के ठीक लेफ्ट साइड में रेड कलर का स्विच है वो एसी के लिए यूज़ होता है, ठीक उसके बगल में एक पिंक कलर का स्विच है ये वन वे स्विच है, ठीक उसके बगल में ये 2-way स्विच लगा हुआ है, लेकिन क्या ये ग्रीन लाइंस की वजह से वो नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बगल में देखिए ये एक फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल है। अब इसके लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, सोता है इसमें, और ठीक बेड के ऊपर में ये एक लाइट पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है, ये देखिए ये जो कॉलम है ये कॉलम से 8 फुट 2 इंच पे
इस लाइट का डिस्टेंस है। फ़ैन का भी डिस्टेंस कॉलम से 8 फुट 2 इंच पे है, और ये ठीक सामने जो लाइट दिख रहा है इसका भी डिस्टेंस 8 फुट 2 इंच ही है, और इस तरफ से 4 फुट 6 इंच पे फ़ैन का डिस्टेंस है। ये देख सकते हैं एरो दिया हुआ है, इस तरह से लोकेशन कौन सा लाइट किस जगह पे होना चाहिए इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब ये गेट के पास आ जाते हैं, देखिए दोस्तों ये गेट के पास ये एक रेड कलर में बॉक्स लगा हुआ है, ये एक रेड कलर में बॉक्स लगा हुआ है, ये 6 मॉड्यूलर बॉक्स है। इसमें एक 1-way स्विच का पॉइंट है, एक 2-way स्विच का पॉइंट है, और एक स्विच सॉकेट का 6 और 10 एम्पियर स्विच सॉकेट का एक पॉइंट है। तो इसमें हम लोग जो है स्विच यूज़ करेंगे, 2-way स्विच यूज़ करेंगे और स्विच सॉकेट एक यूज़ करेंगे। और ये जो ग्रीन लाइन्स हैं ये कंट्रोल स्विच का लाइन्स है, मतलब कि जो जिस स्विच से जो लाइट या फैन कंट्रोल होना है उसके लिए ये ग्रीन लाइन यूज़ किया गया है। और राइट साइड में आप देखिए तो ये AC का पॉइंट है, जूम करने में थोड़ा देरी हो रहा है। राइट साइड में ये देखिए ये AC का पॉइंट है जिसको कंट्रोल हम लोग बेड के बगल में से करते हैं, और ये 2-way स्विच का पॉइंट है, और जो फैन है और TV के पास जो लाइट है वो 2-way स्विच से कंट्रोल है। आप देख सकते हैं ये जो राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें से एक लाइन एक लाइट पॉइंट में आ रहा है, और लाइट पॉइंट से ये गेट के पास जो बॉक्स है उसमें आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों थोड़ा जूम करके, ये 2 2-way स्विचेस हैं, सॉरी 2-way स्विचेस नहीं, ये रेड कलर का 6 मॉड्यूलर बॉक्स है, और राइट साइड में देखेंगे तो वायलेट कलर का एक 2 मॉड्यूलर बॉक्स है टीवी के पॉइंट के लिए, और जो 6 मॉड्यूलर बॉक्स है वो 2 स्विच और 2 सॉकेट इसमें यूज़ होते हैं। ज़रा लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये देखिए ये स्टडी एरिया है, यहाँ पे स्टडी के लिए ये जगह को यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का बॉक्स है और एक वायलेट कलर का बॉक्स है, वायलेट कलर का 2 मॉड्यूलर बॉक्स है जो कि इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो 4 मॉड्यूलर है जिसमें एक स्विच लाइट के लिए और एक स्विच सॉकेट जो टीवी बोल रहे हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग ड्राइंग देखते हैं, और इसी तरह से हम सभी कमरों का या बाथरूम्स का या डाइनिंग रूम्स का या ड्राइंग रूम्स का फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हर जगह पे हम लोग इसी प्रकार ड्राइंग को देखेंगे और इसी प्रकार ड्राइंग को हम लोग समझते हैं। अब आते हैं नीचे शेड्यूल की तरफ में, ये देखते हैं, ये देखिए दोस्तों ये है शेड्यूल, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए ये जूम हो चुका है। ये फ्रॉम मीटर पैनल, ये 4 केबल है जो 10 स्क्वायर mm का 10 स्क्वायर mm का 4 केबल RYB और ब्लैक जो मीटरिंग पैनल से हम लोग का डीबी में आएंगे, और 2 केबल है 4 स्क्वायर mm का अर्थिंग के लिए। इसके बाद जो है 63 एम्पियर का TPN लगेगा, 3-phase neutral, और मीटर बॉक्स से जो ये केबल आते हैं वो TPN में आपको कनेक्ट होगा, फिर TPN से हमारा 3-phase जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, रेड येलो और ब्लू, ये रेड सेक्शन है और बीच में ये येलो सेक्शन है और राइट साइड में ये ब्लू सेक्शन है। अब रेड सेक्शन में कौन से कमरे में कौन सा सर्किट जा रहा है यहाँ पे मेंशन में कौन से कमरे में कौन सा सर्किट जा रहा है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ड्राइंग एंड मेड रूम लाइट पॉइंट्स R1, ये जो R1 R2 R3 R4 R5 ये जो है ये सर्किट नंबर है, और AC ये जो दिख रहा है दोस्त ये कैटेगरी है MCB का,
ये जो ए कैटेगरी का जो एमसीबी होता है वो लाइट और फैन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें इसमें लोड ज़्यादा नहीं होता है। ये 10 एम्पियर का एमसीबी होता है, जिसको ए से जिसका सिंबल ए होता है। और जो सी जो सिंबल का है वो 25 एम्पियर का एमसीबी है, जो कि एसी के लिए यूज़ किया जाता है। और जो बी सिंबल है वो पावर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गीज़र हो गया, मिक्सिंग ग्राइंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस प्रकार के इक्विपमेंट्स के लिए बी कैटेगरी का एमसीबी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि कौन सा कैटेगरी का एमसीबी कहाँ लगना है। उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड में देखिए, ये किस एरिया में कौन सा जगह पे कौन सा सर्किट जा रहा है उसका नाम लिखा हुआ है। जिस तरह से बेडरूम 1 गीज़र, फैमिली लॉज पूजा रूम, बेडरूम 3 बेडरूम 3 टॉयलेट एंड लाइट पॉइंट्स, बेडरूम 3 25 एम्पियर एसी आउटलेट, बेडरूम 3 गीज़र, ये जो है किस एरिया में कौन सा सर्किट जा रहा है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब जो है आते हैं थोड़ा और नीचे, ये देखते हैं। ये जो है डीबी और जो बॉक्सेस लगे हुए हैं विला में वो किस हाइट पे लगने हैं इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे कि एक नंबर में टॉप ऑफ द डीबी, ये 1800 mm पे जो टाइल्स का लेवल होता है वहाँ से 1800 mm उसका टॉप होना चाहिए, डीबी का टॉप 1800 mm होना चाहिए। और स्विच इन लिविंग डाइनिंग किचन बेडरूम एंट्रेंस एंड जनरल एरियाज, ये सब एरिया में जो बॉक्सेस लगने हैं वो टाइल्स से 1200 mm पे होने चाहिए। सॉकेट्स टेलीफोन टीवी आउटलेट्स इन लिविंग ड्राइंग फैमिली लिविंग, यहाँ पे जो बॉक्सेस लगने हैं वो 500 mm पे लगने चाहिए। ऑल वॉल लाइट पॉइंट्स, जितने सारे लाइट पॉइंट्स हैं वॉल के वो 2200 mm पे लगने चाहिए। बर्जर जो है वो 24 mm 100 पे लगना चाहिए। कॉल बेल स्विच जो है वो 1200 mm पे लगना चाहिए। ये इस तरह से इसमें मेंशन किया हुआ है, इधर भी ये मेंशन किया हुआ है। और ज़रा इधर आते हैं, ये देखिए अभी मैंने बताया ना कैटेगरी वाइज, जो ए कैटेगरी है आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जो ए कैटेगरी है वो आपको फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लाइटिंग एंड 6 एम्पियर स्मॉल पावर सॉकेट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बी कैटेगरी का जो एमसीबी है वो आपको रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, डिशवाशर, माइक्रोवेव ओवन, ग्राइंडर, गीज़र, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और सी 25 एम्पियर एमसीबी जो है वो यहाँ पे दिया गया है फॉर एसी, ये एसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ड्राइंग को देखते हैं और समझते हैं। और थोड़ा राइट साइड में आते हैं तो देखिए ये क्या है, ये जो छोटे छोटे जो शॉर्ट फॉर्म्स आप ड्राइंग में देखेंगे उसका ये फुल फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि ड्राइंग में आप देखिएगा तो कहीं लिखा होगा GEY, इसका मतलब होता है गीज़र, AC का मतलब होता है एयर कंडीशनर, WM कहीं पे देखिएगा तो उसका मतलब है वॉशिंग मशीन, REF कहीं पे देखने से इसका मतलब है रेफ्रिजरेटर, GRI कहीं कहीं पे लिखा हुआ है उसका मतलब कि ग्राइंडर, MIXI जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब ये मिक्सी का है, और AG जहाँ पे लिखा हुआ ये एक्वागार्ड का पॉइंट है, MO जहाँ पे लिखा होगा वो माइक्रो ओवन का पॉइंट है, और CHIM जहाँ पे लिखा होगा ये चिमनी का पॉइंट है, HD जहाँ पे लिखा होगा ये हेयर ड्रायर का पॉइंट है। ये पॉइंट ज़्यादातर आपको बाथरूम्स में देखने को मिलेंगे। और BCE का मतलब होता है बारबेको, और DB का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसमें से जो ज़्यादातर सिंबल्स जो हैं वो आपको किचन में देखने को मिल जाते हैं। आइए किचन में चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने किचन को जूम किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है REF, मतलब कि ये रेफ्रिजरेटर का पॉइंट है, और GEY यहाँ पे लिखा हुआ है GEY, ये आपको सभी बाथरूम में भी देखने को मिलेंगे, इसका मतलब ये गीजर का पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे नीचे में
यहाँ पे नीचे में AG लिखा हुआ है, मतलब ये एक्वागार्ड का पॉइंट है। GRI मतलब ग्राइंडर का पॉइंट है। MIXE मतलब मिक्सी का पॉइंट है। और जिस तरह से ये देखिए CHIM ये चिमनी का पॉइंट है। यहाँ पे चिमनी का सिंबल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ड्राइंग को देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग ड्राइंग में बेडरूम 1 का रियल व्यू दिखलाते हैं। रियल व्यू में देखिए, ये देखिए ये बेड एरिया है। बेड एरिया के राइट साइड में स्विचेस हैं, लेफ्ट साइड में स्विचेस हैं। तो अभी हम लोग राइट साइड के स्विचेस के पास जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये AC का इंडिकेटर स्विच, ये है नॉर्मल स्विच एक लाइट के लिए। ये देखिए ये ऊपर में जो लाइट है वो 1-way स्विच से कंट्रोल है। और ये देखिए ये 2-way स्विच है, एक लाइट के लिए है और एक फ़ैन के लिए है। ये फ़ैन रेगुलेटर, ये स्विच फ़ैन के लिए है और ये एक लाइट के लिए है। इसे हम यहाँ बेड के पास से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अगर रूम से बाहर निकलेंगे तो गेट के पास से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए गेट के पास चलते हैं। ये बाथरूम का गेट है, ये बाहर निकलने वाला गेट है। ठीक इसी के बगल में देखिए ये एक 2-way स्विच है फ़ैन के लिए और ये एक 2-way स्विच है लाइट के लिए। जब हमें रूम से बाहर निकलना होता है तो हम यहाँ से ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं, या रूम में अंदर इन करना होता है तो हम लोग यहाँ से ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। और ये एक जो रूम से बाहर का जो लाइट मैंने दिखा रहा था उसका स्विच पॉइंट है। और ये दोनों जो स्विच है वो बाहर में जो दो लाइट पॉइंट मैंने दिखा रहा था उसके लिए है। ये एक स्विच फ्रूट लैम्प के लिए है और ये एक स्विच इस सॉकेट के लिए है। ठीक इसके बगल में हमने जो TV पॉइंट दिखा रहा था, ये देखिए ये 6 मॉडुलर बॉक्स है, 2 स्विच और 2 सॉकेट। ये TV के पावर के लिए यूज़ होता है और साउंड सिस्टम के लिए यूज़ होता है। ठीक इसके बगल में ये DTS का कनेक्टिंग पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा और राइट साइड में आते हैं तो ये है स्टडी एरिया जिसमें मैंने दिखा रहा था। ये इंटरनेट का पॉइंट है, ये एक लाइट के लिए, यहाँ पे ऊपर में ये लाइट है उसके लिए स्विच है और ये स्विच सॉकेट है। दोस्तों ये AC का पॉइंट है, AC का कंट्रोल जो बेड के बगल में राइट साइड में स्विच बोर्ड है वहाँ से है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।